शांति अनुभव करें। कल की नीले रंग की किरण मेरे दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए इसमें प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे पैर की तलवों में समाते समाते एड़ियों तक पहुंच चुकी है। धीरे धीरे काफ से ऊपर होते हुए दोनों पैरों के घुटनों तक पहुंच चुकी है। घुटनों के नीचे तक मेरे दोनों पैर एकदम हल्के और रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, अभी नीली किरण धीरे धीरे घुटनों से ऊपर होते हुए पूरी तरह से पैरों को रिलैक्स कर रही है। और मेरे दोनों पैर कमर के नीचे से पूरी तरह से एकदम हल्के और रिलैक्स महसूस हो रहे हैं। ये नीली किरण अब स्लोली और ग्रेजुअली मेरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में समाती जा रही है। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, किडनीज, सभी अंगों में समाते हुए पेट के सभी अंगों को एकदम रिलैक्स कर रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अभी नीली किरण धीरे धीरे स्टमक में समाते हुए और ऊपर जा रही है, ईसोफेगस तक पहुंच चुकी है। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली रिलैक्स महसूस हो रही है। एक लंबी गहरी श्वास भीतर लें और अनुभव करें वातावरण की सारी सकारात्मकता। मैं अपने दोनों फेफड़ों में भर रहा हूं। रिलैक्स, और श्वास बाहर छोड़ते वक्त अपने भीतर की सारी नकारात्मकता मैं बाहर छोड़ रहा हूं।
पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, सकारात्मकता भीतर, नकारात्मकता बाहर। अभी नीली किरण स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे हृदय में समाते हुए हार्ट के द्वारा शरीर के सभी आर्टरीज, वेन्स और आर्टेरियल्स और वेन्यूल्स तक पूर्ण शरीर में समाते जा रही है। जैसे जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मैं शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स अनुभव कर रही हूं। रिलैक्स। धीरे धीरे ये नीली किरण मेरे दोनों शोल्डर्स से लेकर नीचे उतरते हुए पूरी तरह से दोनों हाथों में समाते जा रहे हैं। और इस जॉइंट से नीचे उतरते हथेलियों में प्रवेश करते दोनों हाथों की उंगलियों के टिप्स तक पहुंचती जा रही है। और मेरे दोनों हाथ बिल्कुल हल्के, शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे महसूस हो रहा है कि अभी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और शरीर को चलाने वाली मैं, चैतन्य शक्ति आत्मा, अति सूक्ष्म तेजोमय सितारा, श्वेत बिंदी मस्तक के बीच में विराजित
जिस स्थान पर बिंदी लगाते हैं, भ्रुकुटी के मध्य में स्थित हो, तब धीरे धीरे स्वयं को मन और बुद्धि से डिटैच महसूस कर अपने लाइट के कार्ब के सटल बॉडी के साथ सूक्ष्म फरिश्ते चोले में उठ चलती हूं इस स्थूल दुनिया से ऊपर और ऊपर और ऊपर सभी इमारतों को नीचे छोटा छोटा महसूस कर रही हूं। जैसे जैसे ऊपर जा रही हूं बादलों के बीच से निकलकर अब धीरे धीरे इस पृथ्वी ग्लोब के ऊपर पहुंच चुकी हूं। महसूस कर रही हूं कि प्यारे पिता परमात्मा अपनी अनंत श्वेत सुनहरी किरणों की वर्षा ऊपर से मुझ आत्मा पर कर रहे हैं और मैं आत्मा इस लाइट के चोले में विश्व ग्लोब पर विराजित होकर ये परमात्म शक्तियों की वर्षा में स्वयं को भिगोते जा रही हूं। ये परमात्म किरणें मुझ आत्मा को सातों गुणों से परिपूर्ण कर रही है। हे विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी आत्माएं, महसूस करें कि परमात्मा से आती इन किरणों से
मेरे भीतर ज्ञान की तरंगे समा चुकी है। मैं मास्टर नॉलेजफुल की अथॉरिटी बन चुकी हूं। मेरी डिसीशंस यथार्थ और एक्यूरेट होते हैं। मैं इंस्टेंटली और क्विकली त्रिकालदर्शी बनकर निर्णय ले लेती हूं। मेरी बुद्धि तीक्ष्ण बन चुकी है। केवल सकारात्मक और श्रेष्ठ विचारों को ही एंट्री है। मैं आत्मा ज्ञान की किरणों से संपन्न होती जा रही हूं। इन स्थूल कानों से केवल परमात्मा महावाक्यों को ही सुनती समझती और जीवन में उतारती हूं, जिस कारण ये स्थूल आंखें भी सभी को अपने वास्तविक देह से निराले मस्तक मणि के रूप में देखते हैं। सभी के गुण ही नजर आते हैं। जो कि मेरे जीवन को भी गुणग्राही बना रहे हैं। धीरे धीरे मुझ आत्मा में पवित्रता की किरणों की वर्षा मेरी पांचों ही कर्मेंद्रियों को शीतल और प्योर कर रही है।
कर्ण, नेत्र, मुख, नॉस्ट्रिल्स और चर्म। प्योर होते जा रहे हैं। अब मेरे भीतर शांति की किरणें पूर्णतः समाहित हो चुकी है और मैं इंटरनल पीस की बेहद अनुभूति कर रहा हूं। पीसफुल बीइंग, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। I am a peaceful soul। यदि वातावरण में कोई क्रोधित भी होता है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा लोगों पर रिएक्ट करने की बजाय उन्हें पीस के वाइब्रेशंस की अंजलि देता हूं। जिससे वे अपने इंटरनल पेन को हील कर सके। आई एम पीसफुल बीइंग, यह अनुभव कर सके। परमात्मा प्रेम की निश्चल धारा मेरे भीतर समाते समाते मुझे भी ये रूहानी निस्वार्थ स्नेह से परिपूर्ण कर चुकी है। मेरे भीतर सर्व आत्माओं के लिए शुद्ध और समान स्नेह है। Loveful being, मेरे भीतर परमात्मा सुख की किरणें प्रवेश करते हुए मुझे
अतीन्द्रिय सुख की गहन अनुभूति करा रही है। मैं सुख स्वरूप हूं। सभी को सुख देने वाली सुखदाता हूं। अपने संकल्पों से सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना देना, मुख से मीठे शब्दों को प्रदान करना, गुणों में सबको सुख का एहसास कराना, ऐसी मैं सुखदाता हूं। सुखों से भरपूर हूं। परमात्म याद और शक्तियां ही ये अतीन्द्रिय सुख की गहन अनुभूति कराती है। समा जाए इस परमात्म प्यार में और महसूस करे अतीन्द्रिय सुख की गहनता को। ये अतीन्द्रिय सुख धीरे धीरे मुझ आत्मा को परम आनंद की गहन अनुभूति करा रहा है। सुख से शरीर की डाइजेशन सिस्टम हील होकर आनंद की तरंगों से शरीर में सभी द्रव्यों को बैलेंस रूप में रिलीज करते ट्रांसमिट कर रही है। इस शरीर की हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल एक्यूरेसी से परफेक्ट रूप में कार्य कर रही है। परमात्मा शक्तियों की ये किरणें अब मुझ आत्मा को भी आंतरिक शक्तियों से भरपूर कर चुकी है। ये इनर पावर मुझ आत्मा के रेजिलियंस पावर को भी बढ़ा रही है। अपनी शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते पहुंचते बाहर की परिस्थिति मुझ आत्मा पर कोई इफेक्ट नहीं करती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अपने इमोशंस का मास्टर हूं। लोगों बातों परिस्थिति और बाह्य वातावरण से डिटैच्ड हूं।
परमात्मा से प्राप्त ये सातों गुणों से मैं आत्मा पूर्व हो चुका हूं, जिससे मेरी आंतरिक ऊर्जा की परिपूर्णता के साथ मेरी कार्य करने की क्षमता कई गुना अधिक इंप्रूव हो गई है। I can work with ease like never before. बिना थकान, बिना उबासी के हर कार्य परमात्मा याद की स्मृति में रहते कर्म योगी बन के करने से मैं हल्का अनुभव कर रहा हूं। इस विश्व ग्लोब पर विराजित परमात्मा गुणों से परिपूर्ण होता जा रहा हूं। ये सातों गुणों से भरपूर होकर ये परमात्मा शक्तियों को मैं इस विश्व ग्लोब पर विराजित हो विश्व के कोने कोने में सर्व आत्माओं को पहुंचा रहा हूं। ये वाइब्रेशंस, ये सतोगुणी तरंगे सभी तक पहुंच रही है। सभी के भीतर समाते जा रही है। विश्व की समस्त आत्माओं को क्या पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की डीप फीलिंग आते जा रही है। सभी आत्माएं शरीर के कर्म बंधन खुशी खुशी चुप्त कर रही है। रोने चिल्लाने और क्या क्यों के झमेलों से ऊपर उठकर सभी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति के साथ अब परमात्मा यादों की तरंगों से स्वयं को हल्के अनुभव कर रहे हैं। जिससे शारीरिक व्याधियां मन को स्पर्श नहीं करती। विश्व की सभी आत्माएं अपने को
निरोगी, स्वस्थ और खुशहाल अनुभव कर रही है। कर्म बंधन का रूपांतरण कर्म संबंध में हो चुका है। कर्म भोग का परिवर्तन कर्म योग में कर चुकी है। ये सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट साक्षी और ट्रस्टी होकर प्ले कर रही है। डिटैच्ड होकर सुखदाता बनकर कर रही है। बाह्य प्रकृति की हलचल या वातावरण का डिस्टर्बेंस इनको अचल अडोल रख रहा है। सभी सृष्टि रंगमंच पर अनासक्त होकर पार्ट प्ले कर रहे हैं। खुशी खुशी अपने हिसाब किताब चुकतु कर रहे हैं। अपने भाग्य का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से करते जा रहे हैं। ये परमात्मा प्रेम ही जीवन को सुखदायी बना चुका है। परिपूर्ण और संपूर्ण कर चुका है। न स्वयं से न किसी और से स्थूल आश है। सभी सेटिस्फाइड है, तृप्त है। ड्रामा की हर एक सीन का साक्षी हो आनंद ले रहे हैं। रूहानी दृष्टि से हर एक को रूहानी स्नेह आदान प्रदान कर रहे हैं। The world is a much better place to live in. Physical disturbances, प्राकृतिक आपदाओं का तांडव होते हुए भी acceptance power से हर बात को side scene समझकर easily cross कर रहे हैं। The external wars do not create panic or internal disturbances. Rather, आंतरिक शांति विचारों और फैलाने वाले शांति स्तंभ बन चुके हैं।
शांति स्रोत बन चुके हैं। ये विश्व का हाहाकार कुछ ही समय में विजयकार में परिवर्तित होता हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रकृति के पांच तत्व तांडव करके अपनी सतुप्रधान अवस्था तक पहुंच रहे हैं, शांत और शीतल हो रहे हैं। विश्व की सभी आत्माएं परमात्मा को यथार्थ पहचान चुकी है। अब स्वयं को अनादि आत्मिक स्वरूप में छोड़कर स्थूल सूक्ष्म फरिश्ते चोले से भी डिटैच होकर पहुंच जाती है अपने निज घर, आत्मा के ओरिजिनल देश परम धाम में। परम धाम में स्वर्ण लाल प्रकाश की दुनिया में सभी आत्माओं को क्रॉस करके सबसे ऊपर अपने प्यारे मीठे परम पिता परमात्मा गॉडफादर भगवान ईश्वर अल्लाह जो कहे है तो वो एक ही, उस प्यारे परमपिता परमात्मा के पास पहुंचते ही अनंत गहन शांति की अवर्णनीय सुख की अनुभूति कर रही है। ये दृश्य अविस्मरणीय हो चुका है। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूं। उनके सानिध्य में मैं अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त महसूस कर रही हूं। उनकी ये याद, उनका ये दिव्य अनुभव मुझे असीम हल्कापन, तृप्ति और आनंद की गहन महसूसता करा रहा है।
peaceful and a loveful being, child of supreme authority, supreme godfather. अपने प्यारे पिता परमात्मा के संग हर एक पल, हर लम्हा मुझे भरपूरता की अनुभूति करा रहा है। जीवन में जो मिसिंग फैक्टर था अब वो कंप्लीट हो चुका है। उसे पाकर अब और कोई चाहना नहीं। उसके सानिध्य में आकर अब और किसी के साथ की आशा नहीं। एक वही तो है जो जीवन को भर देता है खुशियों से अपार, सुखों से भरमार। जीवन में निस्वार्थ स्नेह का वो दाता, अतीन्द्रिय सुख की पराकाष्ठा की अनुभूति करा रहा है। स्वयं को संपूर्णता की अनुभूति कराते मैं आत्मा परमात्मा प्रेम से लबालब हो चुकी हूं। बस मैं आत्मा और मेरे प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा और कुछ नहीं। उसका साथ पाकर मेरा जीवन परिपूर्ण हो चुका है। दिल से यही आवाज गूंज रहा है कि प्यारे मीठे शिव बाबा, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, समी तो समी आसमां पा लिया। तेरे प्यार में कुछ इस तरह संवर गई मैं कि जीवन में तेरा साथ ही मेरा एकमात्र उपहार बन चुका है। तू है तो मुझे क्या फिक्र है, मेरी सब बातें मैं तुझे सौंपती हूं। न कोई चिंता न कोई फिक्र, मैं बेफिक्र बादशाह बन चुकी हूं। फिक्र से फारिग हो चुकी हूं। मुझे संपूर्ण निश्चय है कि भाग्य विधाता भगवान मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे से अच्छा ही करने वाला है। हमारी प्लानिंग इनकम्प्लीट हो सकती है, परंतु आपकी प्लानिंग परफेक्ट और दी बेस्ट होनी है।
मुझे संपूर्ण निश्चय है कि आप जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। हे करण करावनहार प्यारे पिता परमात्मा, आपके श्रीमत पर चलते मैं आत्मा करणहार इस जीवन को आपको समर्पित करती हूं। अब इसे 24/7 ज्ञान योग सेवा और धारणा में बिजी रखे ताकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी फ्री रहकर ये माया के वशीभूत न हो सके। इसकी हर सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी आपको समर्पित है। ये तन मन धन सब आपकी सेवा में समर्पित है। आप इसे पूर्णतः सेवा में सफल करें। मुझे ये पूर्ण ज्ञान आ चुका है कि अंत समय में किसकी दबी रहेंगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, सफल उसी की होवे जो सब धनी नाम कर जाए। मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा, मैं ये तन मन धन जन सब आपको पूर्णतः समर्पित करती हूं। इस सेवा में पूर्णतः सफल करें, इस जीवन को भी विश्व सेवा अर्थ आप लगा दे। मैं स्वाहा करती हूं इस अश्व को भी विश्व सेवा के लिए। मन बुद्धि संस्कार परमात्मा याद से पवित्र हो चुके हैं। प्यारे परमात्मा, मुझे परमात्मा कार्य में यूज कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा करण करावन हार बाप, मुझे सेवा में लगा चुके हैं। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा अपने चाल चलन और मुख से सभी को परमात्मा की निकटता का अनुभव करा रही हूं। मैं चलता फिरता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला म्यूजियम बन चुकी हो। धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ जाती हूं, अपने फरिश्ते चोले में पुनः विराजित हो लौट आती हूं इस साकारी दुनिया में। अपने स्थूल शरीर में प्यारे मीठे बाप दादा मेरे सम्मुख है, उनकी दिव्य दृष्टि से मैं स्वयं को
लबालब भरपूर अनुभव कर रही हो। अब इसी शक्तिशाली स्थिति में हम जल की चार्जिंग करते हैं। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करे बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल अब परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।